गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे जानकर राजनीति में गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को झटका लग सकता है। दरअसल गुजरात में 2004 से हुए चुनावों के एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना उन उम्मीदवारों की तुलना में अधिक है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषण में उन उम्मीदवारों की जीत की संभावना 20% रही है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि साफ रिकॉर्ड वाले लोगों की जीत की संभावना केवल 10% ही माना गया है। हालांकि BJP के उम्मीदवारों के मामले में ये रिपोर्ट थोड़ा अलग है। पार्टी के हिसाब से किए गए विश्लेषण में BJP एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसके खिलाफ आपराधिक मामले वाले और बिना आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों के लिए जीतने की संभावना लगभग समान थी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के जीतने की 38% संभावना थी और साफ रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की जीत की 33% संभावना थी। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 44% सांसद और विधायक जो स्नातक और उससे ऊपर तक पढ़े थे और 52% जिन्होंने 12वीं या उससे कम तक की पढ़ाई की थी, उन पर आपराधिक मामले दर्ज थे।